welcome back everyone we are doing inverse trigonometric functions and this is one of the doubt that you have sent let's see how are we going to deal with this find the value of sine inverse cause of this okay so the first thing that i recommend you to understand is that if you have sine inverse the answer has to be between minus pi by 2 and plus pi by 2 that is number one okay that is number one

मैं इसको कुछ इस तरीके से देखूंगा कि थर्टी फाइव अगर होता तो ये हो जाता अच्छा थर्टी फाइव होता तो सेवन हो जाता तो मैं बोलता सेवन पाई और माइनस टू पाई बाई फाइव क्या ये कहना सही रहेगा आई थिंक यस ठीक है क्या ये कहना सही रहेगा आई थिंक यस ओके तो अब मुझे सेवन पाई कैसा दिखता है सेवन पाई कोई भी जो ऑड पाई होता है वो किधर आता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ठीक है, पाई आता है इधर आता पे, तो सेवन पाई आएगा। और कभी भी जब हम एंटी क्लॉक करते हैं तो हम पॉजिटिव एंगल मूव करते हैं और करते हैं, तो आ, नेगेटिव एंगल करते हैं। तो अगर सेवन पाई में से मैं टू पाई करूंगा, तो मैं कहां पे यहाँ कहीं पे आऊंगा ठीक है दिस इज वेयर आई वुड बी सो ये जो एंगल है दिस इज समेयर रेयर राइट हमेशा जो फाइनल एंगल है वो कहां से मेजर करेंगे इन रेफरेंस टू दि पॉजिटिव एक्स एक्सिस लगाने के बाद राइट कितने चक्कर लगा चुका है ये सात कंप्लीट ना ना तीन कंप्लीट चक्कर लगा चुका है बिकॉज uh, पे है ना पे तीन चक्कर होते हैं ठीक है तो तीन कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाने के बाद ये एंगल हमारे पास पाई राइट इज टू दिस वैल्यू अब सोचने की बात है कि यहाँ पे हमें कॉस् देखने को कहा गया है तो मुझे ध्यान रहता है कि कॉस्ट की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है नेगेटिव होती है और अगर कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इट कैन ओनली बी ऑप्शन नंबर डी विच इज करेक्ट गिव मी मीस और नो इन द चैट बॉक्स इफ यू अंडरस्टैंड इट वैल्यू कितनी है दैट इज इम मटेरियल कैसे आंसर तक पहुंच रहे हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सो लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट